वेलकम बैक। कल आपने मेरी चिली चिकन की रेसिपी तो जरूर देखी होगी, आज मैं लेके आया हूँ वेज फ्राइड राइस। आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं या आप एग भी डाल सकते हैं। मैं आपको वेज फ्राइड राइस बनाना सिखा रहा हूँ, उसके ऊपर अगर आप चिकन या एग मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं। उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होगा आइए हम देखते हैं। मैंने लिया है इसके लिए राइस और ये सब्जियां, जिसमें छोटे टुकड़े हैं गोभी के, एक गाजर, एक शिमला मिर्च, थोड़ी सी बीन्स और पत्ते वाली प्याज की हरी पत्ते और एक मीडियम प्याज बारीक कटे हुए। इसके साथ ही हमको चाहिए होगा इसके लिए सोया सॉस और अजीनोमोटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना वेजिटेबल फ्राइड। तो हमने अपनी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल ले लिया है और उसको अच्छे से गर्म कर दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अपने प्याज। हमने अपने प्याज ले लिए, अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक सॉटे करेंगे। हमें इसे डार्क ब्राउन या ब्राउन नहीं करना है, हमें इन्हें बस ट्रांसल्यूसेंट करना है। फिर हम प्याज के बाद इसमें सीक्वेंस वाइज सब्जियां डालेंगे। जो सब्जियों को ज्यादा टाइम लगता है पकने में वो पहले डालेंगे, यानी कि प्याज के बाद अब हम इसमें गोभी डालेंगे पहले, फिर उसके बाद गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स और पत्ते वाली प्याज। तो देखिए हमारे प्याज 2 से 3 मिनट तक सौते हो गए हैं और हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें गोभी डालेंगे। मैंने इसमें गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स लिया है। आप इसमें जो भी सब्जियां डालना चाहें डाल सकते हैं। आप इसमें ब्रोकली या कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम प्याज और गोभी को एक साथ सौते कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको भी सौते कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें हमें सब्जियों को पूरी तरह से नहीं पकाना है, हमें इसमें सब्जियों में थोड़ा सा क्रंच चाहिए, तो हम इसको फुली कुक या ओवर कुक नहीं करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी क्रंच रहने देंगे सब्जियों में। अब इस स्टेज पर हम इसमें नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार इसमें डाल दीजिए। और ब्लैक पेपर पाउडर ये सब मैं हाई फ्लेम पे कर रहा हूँ, क्योंकि हमें धीमी आंच में इसको पकाना नहीं है, हमें इसमें क्रंच रहने देना है। तो कोई भी चाइनीज आइटम आप हमेशा हाई फ्लेम पर ही पकाइए। अब नेक्स्ट मैं इसमें गाजर और बीन्स डाल दूँगा। इसको भी हम सॉटे कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इनको भी हमें सॉटे करना है। लास्ट में हम इसमें अपनी शिमला मिर्च और पत्ते वाली प्याज डाल देंगे। इसको थोड़ी देर सौते करेंगे। अब इसी स्टेज में हम इसमें
थोड़ा सा एमएसजी यानी कि अजीनोमोटो डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फ्लेवर को एनहांस कर देगा। तो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट हो गई हैं। अब हम इस स्टेज पर इसमें अपना राइस डालेंगे। ये हमारा राइस आ गया। अब हम इसमें साइड्स में इसके थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कैसा अच्छा लगता है, ज़्यादा डार्क या मीडियम या लाइट, आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। सोया सॉस डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सोया सॉस को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारा फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा फ्राइड राइस बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको गरम गरम चिली चिकन, चिली पनीर या किसी भी चाइनीज डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको घर में बनाना ट्राई कीजिए। ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। हार्डली इसमें आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।